अकोला 24 न्यूज में मैं नेहा शेख आपका स्वागत करती हूँ। बार्शीटाकली शहर में ठेकेदार की मनमानी से चल रहे कारोबार को देखते हुए नागरिकों ने इसकी शिकायत नगर पंचायत व जिलाधिकारी से की। बता दें कि बार्शीटाकली वार्ड नंबर 13-14 में कापकर गुरुजी के घर के पास से हाथपंप चौक से डॉक्टर इनामदार के घर से राम मंदिर तक कॉन्क्रीट रास्ता व नाली के बांधकाम के लिए 1,20,00,000 रुपए मंजूर किए गए थे, जिसमें ठेकेदार ने 87,93,544 रुपए में काम किया था। किसी कारण कुछ दिन काम बंद रहने के बाद बाकी का काम अब शुरू किया गया है, जिसमें ठेकेदार अपनी मनमानी तरीके से काम कर रहा है। इसकी तकरार वहाँ के नागरिकों ने नगर पंचायत से तथा जिलाधिकारी मैडम से की है, जिसमें कहा गया है कि काम स्टीमेट के अनुसार नहीं हो रहा है, जिसमें रोड की खुदाई कर उसमें कपच्ची की दबाई नहीं की गई, ऊपर मुरुम डालकर उसी पर कंक्रीट किया जा रहा है और ठेकेदार ने रोड के अंदर लोहे का इस्तेमाल नहीं किया है। इसी तरह से पूरे मिक्सर में 2 से 3 बैग सीमेंट डालकर काम पूरा किया जा रहा है, जिससे वहां के नागरिकों में रोष का माहौल है। अकोला 24 न्यूज के लिए बार्शीटाकली से इरफान अहमद शेख की रिपोर्ट। सबसे पहले ये बताइए कि रोड का काम कितने दिन से रुका था? रोड का 2 साल हो गया कम ज़्यादा। अच्छा, अभी जो यहाँ पे काम हो रहा है ये एस्टीमेट के हिसाब से हो रहा है? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, सब बोगस हो रहा। अच्छा। इसमें लोहा नहीं, ये पूरे टैंकर में 3 थैली सीमेंट डाले जा रहा। अच्छा, तो पूरे टैंकर में? पूरे टैंकर में। एस्टीमेट की कॉपी आपके पास में है? हाँ। तो एस्टीमेट की कॉपी के हिसाब से काम हो रहा नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा, इसमें लोहा नहीं कुछ भी आए। नहीं नहीं, कुछ भी खुदाई की थे, कुछ भी नहीं। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं डाले, कुछ भी नहीं डाले, मामूली मुरम डाले। हाँ। बस माल शुरू कर दिया उन्होंने। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं है लोहा। लोहा भी नहीं है? नहीं। तो आपने इसकी तकरार कहाँ कहाँ की? दिए नहीं, आप दे रहे? इससे पहले जो तकरार किए? हाँ, दिए थे। कहाँ कहाँ किए थे? अपने नगर पंचायत में दिए थे, कलेक्टर काफी को दिए, कान पर बात नहीं लिए, काफी आए उसकी। अभी आप कहाँ कलेक्टर ऑफिस में करने जा रहे हैं? हाँ, अभी हम फिलहाल मौजूद हैं यहाँ के जो ठेकेदार है अंकित वानखड़े, इनके पास में, और यहाँ के लोगों की ये तकरार आई है कि रोड एस्टीमेट के हिसाब से नहीं बन रहा। तो सबसे पहले ये बताइए, आप एस्टीमेट के हिसाब से यहाँ काम कर रहे हैं? हाँ, एस्टीमेट के अनुसार काम झालेला आहे इथे, तरी तुम्ही चौकशी करून अहवाल घेण्यात यावा। एस्टिमेट कॉपी यांच्याजवळ आहे, माझ्याजवळ आहे, पण त्याच्यामध्ये लोहा आहे आणि ते रोड खोदायचं आहे पहिले, नंतर त्याच्यात कपची टाकायची आहे, ती टाकली, सगळं टाकलेलं आहे, कपची सुद्धा टाकलेली आहे, लोहा सुद्धा टाकलेला आहे। कपची टाकली नाही? कपची टाकली नाही, तरी तुम्ही तुमचे खोदाई सुद्धा केलेली आहे, माझ्याकडे फोटो सुद्धा अवेलेबल आहेत, तुम्ही तरी त्याची चौकशी करू